दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर एग्जाम में आईपीसी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है अंडर जीएसटी तो उसका आंसर आपने कैसे लिखना चाहिए। देखो क्वेश्चन है, एन्यूमरेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी अंडर जीएसटी लॉ। बात किसकी चल रही है? कंडीशन से, ठीक है। तो आंसर को देखो, हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखो, रजिस्टर्ड पर्सन शाल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ इनपुट्स इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स विच आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस एज मेंशन अंडर सेक्शन 16 आर कंप्लाइड विद। देखो अभी क्या हो गया ना, आपने स्मार्टली एक ये वर्ड और एक कौन सा था, ये दोनों वर्ड को आपने डाल दिया। ये एलिजिबिलिटी का पॉइंट था, मतलब एग्जामिनर को मालूम है कि आपको कंसेप्ट मालूम है, ये तो एलिजिबिलिटी का बेसिक पार्ट है। और अभी आप कंडीशन लिख रहे हो तो लिख दो आपके पहले कंडीशन, ही शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ही शल हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेस, ही शल हैव फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। किसकी बात करता है? जीएसटी आर 3B की। फोर्थ, सप्लायर हैज हिशर हैव नहीं आना चाहिए था, हिशर हैज आना चाहिए, थोड़ा वो इंग्लिश का मैनेज कर लेने का। सप्लायर हैज कम्युनिकेटेड द इनवॉइस ऑब्लिक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इन GSTR 1 और IFF अंडर सेक्शन 37 फिफ्थ वन, पेमेंट हैज बीन मेड टू सप्लायर विदिन 180 days, टैक्स हैज बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स देन आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। एक पॉइंट लिख सकते हो बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल का, बट क्वेश्चन क्योंकि 5 मार्क के लिए था तो मुझे इतना आंसर सफिशियंट लगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही आंसर आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। कॉन्ट्रोवर्सी क्लियर है? चलो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।